अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि खैरियत से होंगे। आज हमने मटन अफ़गानी बनाया है, ये बहुत ही डिलीशियस बना है। यकीन मानिए, अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार इसे ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है, थोड़ा कोरमे से हटकर भी होता है। और इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 500 ग्राम मटन लिया है, ये हड्डी के साथ लिया है। इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसे हम एक कुकर में डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, इसमें एक चम्मच अदरक और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है, इसे भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं एक बार। अब हम इसे लिड से कवर करके हाई फ्लेम पर एक सीटी आने तक और लो फ्लेम पर 10-12 मिनट तक करेंगे। जब स्टीम निकल जाएगी तब ओपन करेंगे। जब तक मटन गल रहा है तब तक हम कुछ मसाले पीस लेते हैं। ये हमने 50 ग्राम हरा धनिया लिया है, इसे हमने ऐसे ही रफली काट लिया है। इसे डालेंगे एक मिक्सी जार में। 5 लहसुन की कलियां ली हैं, क्योंकि लहसुन अदरक हमने पहले भी डाला है, इसलिए हम यहाँ पर कम लेंगे। ये 3 इंच के करीब जिंजर लिए, ये 4 हरी मिर्च ली है। इसमें ये थोड़ा तीखी थी इसलिए हमने इसकी कुछ मिर्चों की सीड निकाल दी है। इन्हीं सब चीज़ों से मसाला बनेगा, हम इसमें मसाले ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली चॉप किया है, इसे भी इसमें डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए, हमने इसका पेस्ट बना लिया है, इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। अब इसी जार में हमने ये 150 ग्राम दही लिया है, ये फ्रेश दही है, ये डालेंगे और 100 ग्राम फ्रेश क्रीम लेंगे। इन दोनों चीज़ों को एक बार चलाकर हम लाएंगे मिक्सी में। और अगर आपके पास हैंड विस्कर है तो उससे भी आप फेंट सकते हैं इसे। ये अच्छे से बस फेंट जाना चाहिए, आपस में एकदम मिक्सअप हो जाना चाहिए। ये देखिए, हमने इसे एक बार चला लिया है, इसे इस मसाले में मिला देंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं यहाँ पर। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च हो तो उसे भी डालिए। आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच दक्षिणी मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। 1 चम्मच विनीगर डालेंगे, ये बड़ा चम्मच हमने लिया है। 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। इसमें हम ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन्हीं मसालों से ही ये ग्रेवी तैयार होगी। और नमक हमने यहाँ पर आधा चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा करिएगा। बॉईल करते हुए मटन में भी हमने नमक डाला था। ये देखिए, कुकर की स्टीम निकल चुकी है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। मटन को हमें 70-80% तक ही कुक करना है। ये देखिए, इसमें पानी है, इसे हाई फ्लेम पर भून लेते हैं, इसके पानी को खुश्क कर लेंगे। ये देखिए, इसका पानी खुश्क हो गया है और जी हमने तैयार किया है मसाला, इसमें इसको डाल देंगे। मटन को हमने 80% तक कुक किया है, क्योंकि ये बाद में भी ग्रेवी में पकेगा तब ये पूरी तरह से गल जाएगा। कुकर को पोंछ कर भी डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि मसालों का फ्लेवर मटन के अंदर अच्छे से पहुंच जाए। और अगर आपके पास टाइम हो तो 1 घंटे के लिए इसको रख दें इसी तरह से। और अगर फौरन बनाना चाहें तो फौरन भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसे 1 घंटे के लिए रख रहे हैं। देखिए, उसे मैरिनेट हुए 1 घंटा हो गया, अब हम इसे बनाएंगे। ये हमने पैन में तेल डाला है और इस तरह से चाप को हम निकालेंगे।
मसाले को झाल देंगे। ज़्यादा मसाला इस पर नहीं लगा होना चाहिए। और फ्लेम को हाई करके हम इसे फ्राई करेंगे। तेल बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए, इसी तरह से इसमें धुआं उठना चाहिए। मटन तो हमारा पहले से भी गला हुआ है, इसलिए हम इसे ज़्यादा देर नहीं कुक करेंगे। बस इस पर ग्रिल मार्क्स आने तक ही फ्राई करेंगे। जल्दी से अलग पलट करके इसे फ्राई कर लेंगे। ये हमने सभी पीसेज इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे फ्लिप कर लेते हैं, वरना ये नीचे से जल जाएंगे। गैस के फ्लेम को अब लो कर देंगे। बस इसी तरह का ग्रिल मार्क्स आने तक हमें इसे फ्राई करना है। इसे हमें ज़्यादा देर कुक नहीं करना है। हम सभी को निकाल लेते हैं, इसमें अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ गया है। ये हमने सभी को निकाल लिया है, अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। ये हमने कुकर चढ़ाया है, इसमें हम 50 ml ऑयल डालेंगे। आप किसी पॉट में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसे कुकर में ही बनाएंगे। तेल गरम हो जाए तो हम इसमें इस मसाले को डालेंगे। सारे मसालों को डालकर हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। इसे हम एक बार मिक्स करेंगे और इसे लिड से इस तरह से कवर कर देंगे। पूरा नहीं ढकेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे, क्योंकि ये पकते हुए उछलेगा और जलने के चांसेस हैं। इस तरह हमें लिड से कवर करके इसे खुश्क करेंगे। ये देखिए, बीच बीच में हम चलाते भी जाएंगे इसे। अभी ये पूरी तरह से खुश्क नहीं हुआ है, फिर से ढक कर इसे पकाएंगे। फिर हमने एक बार ओपन किया है, उसे चलाया है। बस मसाले को हमें इतना ही भूनना है। अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे। इसे डालकर हम मिक्स करेंगे। मटन अफगानी इस तरह से ही बनाया जाता है, सूखी ग्रेवी भी रखी जाती है। लेकिन हम इसमें पानी ऐड करेंगे, आधा कप पानी डालेंगे। ये बॉयल्ड पानी हम डाल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें इसे अभी थोड़ी देर कुक भी करना है। अब हम इसमें स्मोक फ्लेवर देंगे। एक कटोरी रखेंगे और एक चारकोल के टुकड़े को हमने गैस पर दहका लिया है। इसे रखकर थोड़ा सा इस पर ऑयल या बटर डालेंगे और इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। ताकि इसमें स्मोक लग जाए, इससे इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। 2 मिनट हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये हमारा मटन अफगानी तैयार है। इसमें थोड़ा धनिया पत्ती डालेंगे। बहुत ही यमी सा बना है। हम इसे डिश आउट करके अब दिखाएंगे आपको। वैसे तो मटन अफगानी सूखा भी रखा जाता है, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ग्रेवी वाला बनाया है। आप अगर पानी ना डालना चाहें तो बिना पानी के भी सूखा सूखा रख सकते हैं, वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है। इसमें मटन को फ्राई करके डालते हैं, इसलिए इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इस तरह से आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो कमेंट्स करके मुझे बताइए कि कैसी लगी रेसिपी। और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब